हे गाइस, आज मैं आपको दिखा रही हूँ डोमिनो स्टाइल का पिज्जा बर्गर घर पे बनाने का तरीका, वो भी कढ़ाई में बिना अवन के। और ये आप कभी भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है और कोई मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। इसके लिए हम दो स्टाइल से प्रिपरेशन करेंगे, एक में आलू की पैटीज और पिज्ज़ा की टॉपिंग्स। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, पिज्ज़ा की टॉपिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें डालिए बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ प्याज और उसे अच्छे से सौते कर लीजिए। फिर डालिए बारीक कटे हुई गाजर, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्ची और उन्हें भी अच्छे से 2 मिनट के लिए सौते कर लीजिए। ज़्यादा वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद इसमें डालिए टोमेटो केचप, चिली सॉस, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स और नमक। अगर आप चाहें तो इसकी बजाय आप पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो मार्केट में मिलती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार हो गई। चलिए अब हम बनाते हैं आलू की पैटीज। उसके लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर 1/2 चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, थोड़ा सा नमक, फ्रेश कटा हुआ बारीक धनिया। और उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू की पैटीज का हम एक डो बना लेंगे और उसके बाद इस डो से हम तेल लगाकर हल्के हाथों से नरम नरम पैटीज बना लेंगे। ये देखिए, हमारी पैटीज बनकर तैयार है। अब इन पैटीज को हम गरम तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। जब पैटीज गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो इन्हें हम निकाल कर प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब बर्गर के बन को बीच में से आधा काट कर एक साइड पर हम लगा लेंगे हमारी पिज्जा की तैयार की हुई टॉपिंग 1 चम्मच, और उसके ऊपर डालेंगे हम करीब 2 बड़े चम्मच चीज जो हमने ग्रेट करके रखा है। उसके बाद एलापिनोस या ऑलिव्स, ये आपके लिए ऑप्शन में है। उसके बाद हम डाल देंगे उसके ऊपर अपनी बर्गर की पैटी और टोमेटो केचप। दूसरी साइड 1 चम्मच एगलेस मेयोनीज और उसे भी अच्छे से हम स्प्रेड करके बर्गर के ऊपर डाल देंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच हमारे पिज्ज़ा की टॉपिंग फिर से और बहुत सारा चीज़। साथ ही हम तैयार कर लेंगे एक कढ़ाई, उसके अंदर हम 1.5 कप नमक डालकर रखेंगे और उसके ऊपर रख देंगे एक प्लेट। इस कढ़ाई को हम करीबन 10 मिनट के लिए गैस पर हल्की आंच पर रखेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा पिज़्ज़ा बर्गर और उसके बाद इसे ढक देंगे। देखिए कैसे चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गई है और हमारा पिज़्ज़ा बर्गर बनकर तैयार है। गरम गरम इसे सर्व करें। कैसा लगा आज का वीडियो? सब्सक्राइब करें और लाइक करें।